नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसबी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 15 अप्रैल 2024 को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि फ्राइडे के दिन यानी कि 12 अप्रैल को मार्केट कैसे रहा, आज के ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या हमें दे रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ये भी हम समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले फ्राइडे क्या हुआ वो देखते हैं। फ्राइडे के दिन निफ्टी लगभग 230 पॉइंट की गिरावट के साथ 22,519 पर क्लोज हो चुका है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी लगभग 420 पॉइंट की गिरावट के साथ 48,600 के आसपास क्लोज हो चुका है और वहां सेंसेक्स 74,400 पर क्लोज हुआ है। वो लगभग 800 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में हमें एक वीकली एक्सपायरी भी थी, इसी के चलते थोड़ा सा ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें सेंसेक्स में देखने को भी मिली। इंडिया विक्स के आंकड़े जो है 11.53 चल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 700 शेयरों में खरीदारी हो चुकी है और 1300 शेयर में बिकवाली हो चुकी है फ्राइडे के दिन में, यानी कि मिला जुला अगर देखे तो मार्केट में बिकवाली का दौर एक दिन में हमें यहां पर दिखने को मिल रहा है। अब मेरी राय ऐसी है कि जिस तरीके से फ्राइडे के दिन मार्केट में जो गिरावट दी है वही ट्रेंड मंडे के दिन हमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मंडे के दिन निफ्टी लगभग 100 से 125 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की संभावना ज्यादातर है, फिर उसके बाद मार्केट रिकवर हो सकता है, लेकिन ओपनिंग तो अभी 100 पॉइंट की तो फिक्स गैप डाउन ओपनिंग होने की ज्यादातर उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में भी हमें सब रेड क्लोजिंग देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी 22,450 पे है, डाउ जोन ने 39,800 पे चल रहा है, तो ये भी हमें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव देखे तो टीसीएस के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं उसमें अनुमान से बेहतर उनके नतीजे आने के कारण एक वो फैक्टर हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट भले गैप डाउन ओपन होता है लेकिन टीसीएस के चलते मार्केट में हमें एक तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सरप्राइजिंग होगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट हमें वापस ग्रीन शेड में आते हुए दिखेगा, लेकिन उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। टीसीएस भले गैप अप ओपन हो सकता है लेकिन सस्टेन करता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 22,500 और 22,450 और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 22,600। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए आ चुका है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में हमें 48,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 48,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जहां हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि निफ्टी में लगभग 18 लाख कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है, मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं मगर उसके आगे पीछे, लेकिन 18 लाख कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है और 13 लाख पुट राइटर की ओपन पोजीशन है। तो ये भी हमें एक सीधे साधे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में कॉल राइटर की ज्यादा संख्या है, तो उसके चलते भी मार्केट में हमें एक गैप डाउन ही देखने को मिल जाएगी। तो अभी कल के लिए मंडे के लिए कैसे काम करना है, देखिए मंडे के लिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट के आसपास और उसी दौरान निफ्टी अगर 50 पॉइंट रिकवर करता है तो हमें वहां पर पुट बाय करना है और उसका स्टॉप लॉस लगाना है, आज के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाना है जो है 22,519 ये या 22,530 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो ध्यान में रख के फिर ऑप्शन और फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
नहीं सॉरी 22,519, हाँ बराबर वही वही। अभी बैंक निफ्टी के लिए सेम है, बैंक निफ्टी जिस तरीके से निफ्टी में हमें निफ्टी और सेंसेक्स में जो गिरावट दिखी है उस कंपेयर में बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं है, लगभग सिर्फ 400 पॉइंट की गिरावट। सेंसेक्स 800 पॉइंट गिरा था तो बैंक निफ्टी सिर्फ 400 पॉइंट गिरा था। अगर कल मार्केट रिकवर होता है तो सबसे पहले भागने वाला होगा, भागेगा तो वो बैंक निफ्टी ही भाग सकता है। तो दोस्तों ये मेरी ओपिनियन है मार्केट के कैसे रह सकता है, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करो, और ये भी बताओ कि निफ्टी और निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, आपका पोल मुझे इम्पोर्टेंट है और इससे पता चलेगा कि कितने लोग की कितने लोग मार्केट में बुलिश है और कितने लोग मार्केट में बेरिश है, ये पोल से समझ में आएगा। अगर ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, उससे थोड़ा सा अंतर आता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करो कि मार्केट ओपन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने ये दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइए, मैं डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन देते रहूंगा और मार्केट से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे, स्टॉक रिलेटेड रिजल्ट्स हो या कोई भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो, मैं आपको पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।